हाय किड्स, हाय सर। आज हम पढ़ने वाले हैं पैकिंग क्यूब्स। क्यूब्स। गणेश एंड डिंगा वांट टू पैक 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स इन बॉक्सेज। गणेश और डिंगा दो बच्चे हैं, ठीक है। वो क्या करना चाहते हैं कि 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स को इन बॉक्सेज में क्या करना चाहते हैं, पैक करना चाहते हैं, ठीक है। 4000 सेंटीमीटर क्यूब। These are to be sent to a school. There are 3 different boxes available for packing. अब उनके पास 3 different type के box हैं जिसमें कि वो इस सामान को क्या कर सकते हैं, pack कर सकते हैं। मतलब उनके पास इतना volume का सामान है। कितना volume का सामान है उनके पास? 4000 centimeter cube. ठीक है। अब वो बोल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। Will be able to fit all 4000 cubes these 3 boxes. I think we need one more box for it. अब ये जो डिंगा है, जो ये बच्चा बोल रहा है, उसके पास ये सारा सामान है, ठीक है। ये सारा सामान है इन पे, ये सामान सारा इन डब्बों में क्या किया जाना है, पैक किया जाना है। और इस सारे सामान का वॉल्यूम कितना है? 4000 सेंटीमीटर क्यूब। अब डिंगा बोल रहा है कि मुझे लगता है कि ये सारा सामान इन डब्बों में नहीं आएगा, हमको एक और डब्बा चाहिए होगा। तो अब गणेश बोल रहा है, आई थिंक देयर इज इनफ स्पेस इन दीज बॉक्सेस टू पैक ऑल 4000 क्यूब्स। अब लेकिन गणेश बोल रहा है कि मुझे लगता है कि ये सारा सामान इन डब्बों में भर जाएगा, ठीक है। अब देखो जी, व्हाट इज योर गेस, हु इज राइट। अब वो बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सही है। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि डिंगा सही है? कितने बच्चे बोल रहे हैं कि ये सामान इनमें आ जाएगा? हाथ खड़े करो, गेस करना है। चलो, हमने बोला कि भाई 8 बच्चे बोल रहे हैं कि ये सामान इसमें आ जाएगा और 8 बच्चे बोल रहे हैं कि ये सामान इसमें नहीं आएगा। अब चेक करेंगे, ठीक है। हाउ कैन गणेश एंड डिंगा टेस्ट देयर गेसेस बिफोर पैकिंग द क्यूब्स इन द बॉक्सेस, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अब वो बोल रहे हैं कि अब आप कैसे चेक करोगे कि ये सारा सामान इसमें आ जाएगा? कोई बच्चा बता सकता है कैसे चेक करोगे? सर, हाँ बताओ। सर, हम इन सब का गुणा करेंगे। चलो, इसका गुणा करके हमको क्या निकलेगा? इसको गुणा करके क्या मिलेगा? इसका वॉल्यूम मिलेगा। इसका वॉल्यूम मिलेगा, फिर इन सबको गुणा करके इसका वॉल्यूम मिलेगा और इन सबको गुणा करके इसका वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे और क्या है। यूज गणेश मेथड एंड राइट। वो बोले गणेश का मेथड यूज करो। 10 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज्ड इन बॉक्स बी। बी का निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा। सो 10 सेंटीमीटर क्यूब्स इन ऑल कैन बी पैक्ड इन 3 बॉक्सेज। और फिर हमको पता चल जाएगा कि तीनों बॉक्सेज में टोटल कितना सामान आ सकता है। अब देखो जी, अब वो बोल रहे हैं, देखो, लुक एट बॉक्स ए। इन द फर्स्ट लेयर वी कैन अरेंज 20x10 200 क्यूब्स एंड 6 सच लेयर्स कैन बी पैक्ड। सो द बॉक्स ए विल अरेंज 200x6 1200 क्यूब्स, ठीक है। ये गणेश की टेक्निक है। अब देखो, यही गणेश की, यही टेक्निक हमने भी बोला, यही टेक्निक विवेक ने भी बताया। तो गुणा किया हमने इसको, 20 को 10 से गुणा करके कितना आया? 200 को 6 से 1200 क्या सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिखते हैं इसको। सेंटीमीटर के ऊपर 3 लगा देते हैं तो इसकी क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं इसको फिर? क्यूब। स्क्वायर में 2 लिखते हैं। अब देखो, इसको 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके आता है 121। और 121 के आगे क्या आ जाएगा? एक और 0। 10 से ही तो गुणा करना था। अब 15 को 9 से गुणा करके 135 को 10 से गुणा करके 135, एक 0 आ जाएगा, निकल गया तीनों का। अब क्या कर लेंगे इनको? जोड़ करो। 0 7 3 सेंटीमीटर क्यूब। पैक कितना करना था? 4000। आया कि नहीं आया इसमें सामान? No, नहीं आया, बच गया है अभी, ठीक है। हम पे अभी काफी सारा सामान बच गया है। अब कितना सामान बचा है उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? घटाओ 4000 में घटा सकते हैं इसको। घटाओ 0 कितना आएगा? 4 2 0 तो 240 सेंटीमीटर क्यूब सामान अभी क्या हो गया है? बच गया है। मतलब हमको इतना बड़ा डब्बा अभी आपको हमको क्या चाहिए? और अब देखो, जो पीछे हमारे पास जो खाली है उसमें क्या बनना है? बी में कितना है हमारे पास? 1210। और सी में 1350। सो 10 सेंटीमीटर क्यूब्स इन ऑल कैन बी पैक्ड इन 3 बॉक्सेस। तो यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे, इसका टोटल कितना है? इसका 3760 सेंटीमीटर क्यूब्स इन ऑल कैन बी पैक्ड इन ऑल 3 बॉक्सेज। इसका मतलब जो 8 बच्चे बोल रहे थे कि इसमें सारा सामान आ जाएगा, वो क्या हो गए? क्या हो गए? गलत। और जो बोल रहे हैं नहीं आ पाएगा, वो क्या हो गए? सही। समझ आई? यस सर।